डिबेट्स मीडिया का अहम हिस्सा होती हैं, जिसके जरिए एंकर जनता की बात देश के सामने रखते हैं। आज हम कुछ एंकर्स की डिबेट्स या शो देखेंगे कि उन्होंने पिछले हफ्ते में अपने डिबेट्स में किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, रेलवे का किराया बढ़ाने का ये कैसा तर्क। दूसरा, नौकरी रोजगार जैसे मुद्दे सोशल मीडिया पर कितने हावी। तीसरा, मोटेरा का नाम खुद के नाम पर रखने को कैसे तैयार हुए पीएम मोदी। चौथा, दिशा रवि को मिली जमानत, अदालत का यादगार फैसला। पांचवा, पेट्रोल के दाम पर विपक्ष कहाँ है और जनता कहाँ है। रवीश अक्सर जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते दिखाई देते हैं और जानकारी भी देते हैं। इस बार उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की और रोजगार के मुद्दे पर सरकार से तीखे सवाल भी किए। 25 फरवरी का दिन जब घड़ी की बड़ी सुई छोटी सुई को क्रमांक 12 पर छोड़कर आगे बढ़ती है, तब हिंदू मुस्लिम डिबेट में रमने वाले युवाओं ने मैसेज भेजना शुरू किया कि हैशटैग मोदी जॉब दो दुनिया में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है और भारत में हैशटैग गो बैक मोदी दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अन्य पत्रकारों के साथ साथ मुझे भी टैग टू किया जा रहा है, जैसे बेरोजगारी के तक्षक ने मुझे भी बांध लिया हो। मेरे सपने में आने वाले नीम के पेड़ ने पहले ही चेतावनी दे रखी थी कि ट्विटर से दूर रहा करो, एक ग्लोबल ट्रेंड और दूसरा इंडिया ट्रेंड। युवाओं ने आज दूरदर्शिता का परिचय दे ही दिया। मोदी जी से रोजगार मांग रहे हैं यह बात दुनिया को बता रहे हैं, लेकिन रोजगार ना देने पर मोदी गो बैक का नारा लगा रहे हैं केवल भारत को बता रहे हैं। इन युवाओं को आज दोपहर 12 बजे तक 60 लाख ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? वे क्या समझते हैं कि इससे कल के सारे अखबारों में पहली हेडलाइन बन जाए? अब बात करते हैं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की और जानते हैं उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, कोरोना का यू टर्न, सरकारें और लोग बेफिक्र क्यों। दूसरा, एक महीने से क्यों नहीं हो पा रही किसानों सरकार में बात। तीसरा, दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। चौथा, कब कम होंगे पेट्रोल डीजल के दाम। पांचवा, क्या सोशल मीडिया अधकचरे ज्ञान का अड्डा है। संदीप चौधरी भी अक्सर देश में जरूरी मुद्दों पर चर्चा करते दिखाई देते हैं। इस बार उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की और भाजपा नेता से इस मुद्दे पर तीखे सवाल भी किए। प्रकाश चंद्र शर्मा, पहले तो किसानों की बात, और क्योंकि आप भी किसानी परिपेक्ष से आते हैं, किसानों ने अर्थव्यवस्था को बचाकर रखा, किसानों को कौन बचाएगा? ये तो आंकड़े बता रहे हैं ना कि किसानों ने बचाई देश की अर्थव्यवस्था। संदीप जी, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे हम इतिहास पलट लें, चाहे वर्तमान को देखें, चाहे भविष्य को देखें, देश की रीढ़, देश की मजबूती किसानी थी, किसानी है, किसानी रहेगी। देखिए, कोविड पेंडेमिक के बाद दुनिया दो हिस्सों में बट गई है और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के आस्पेक्ट को देखने की, अर्थव्यवस्था को देखने की, और उसकी मूल व्यवस्था कृषि रहेगी, इसीलिए यह बिल है और किसानों के हित में है। इसके कई स्टार्टअप्स हैं, कई नए राज्य पुरानी व्यवस्था में ही चल रहे हैं ना, कानून कहने को बन गए, वो लागू नहीं हुए हैं। पुरानी व्यवस्था में भी किसान अपने मजबूत कांधों से देश को बचाए रखे हैं। कई कई अगर हम बात करें, आप खाद की बात करें, आप किसी चीज की बात करें, और बेसिकली एक शब्द में बात करें, खाद की बात कर रहे हैं, खाद का कट्टा 50 किलो की जगह 40 किलो नहीं हो गया। डीजल आप ये देखिए ना कि हम 20 रुपए नहीं बढ़ गया। अब देखते हैं कि गोदी मीडिया के कुछ चैनल्स पर किन मुद्दों पर डिबेट्स हुई। पहले बात करते हैं न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार अमीश देवगन की और जानते हैं उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, 5 राज्यों की बिसात में किसकी शय किसकी मात। दूसरा, पीएम मोदी ने निभाया वादा, नीरव मोदी वापस आएगा, कोई चोर नहीं बच पाएगा। तीसरा, उत्तर ने आईना दिखाया इसलिए दक्षिण भाया, राहुल की बंटवारा पॉलिटिक्स। चौथा, सियासी हो गया किसानों का प्रदर्शन, आंदोलन में विपक्ष को मौका। पांचवा, बंगाल की लड़ाई सीबीआई पर आई, भतीजे की जांच बुआ तक आंच। अमीश अपने डिबेट्स में अक्सर विपक्ष पर निशाना साधते हैं, इस बार के डिबेट्स में भी ज्यादातर सवाल विपक्ष से ही होते दिखाई दिए। देखते हैं उनकी एक डिबेट और जानते हैं कि क्या वे कोई जानकारी भी दे रहे हैं इन डिबेट्स में। चुनाव आयोग ने वोटिंग की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 27 मार्च को पश्चिम बंगाल से वोटिंग की शुरुआत होगी और 2 मई को सभी राज्यों के नतीजे आएंगे रविवार के दिन। बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में 8 चरण में मतदान होगा, लेकिन बीजेपी पहले ही पूरब से दक्षिण तक हर सियासी मोर्चे पर मजबूती के साथ तैनात है।
प्रधानमंत्री मोदी एक महीने में दो बार तमिलनाडु का दौरा कर चुके हैं और बंगाल में लगातार पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा जारी है। बंगाल में दीदी का किला फतह करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। छोटे से बड़े नेता तमाम वहां पर है। तो ममता बनर्जी भी बीजेपी से मुकाबले के लिए मोर्चाबंदी में जुट गई है। महंगे पेट्रोल और डीजल के विरोध में ममता दीदी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सचिवालय गई। अब बात करते हैं न्यूज नेशन के पत्रकार दीपक चौरसिया की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को जरूरी समझा। पहला, वो मजमा लगाएंगे, मुसलमानों को भड़काएंगे। दूसरा, बंटवारे की राजनीति का नया भवंडर क्या। तीसरा, दंगे का एक साल, दर्द का वही हाल। चौथा, क्या भारत के सभी लोग हिंदू पूर्वजों के वंशज। पांचवा, आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ की नौबत क्यों आई। दीपक चौरसिया की डिबेट ज्यादातर हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों पर केंद्रित होती हैं। देखते हैं वे इस बार मुसलमानों से जुड़े मुद्दे पर हुई डिबेट में क्या कह रहे हैं। पीएफआई के आतंक का जाल कैसे फैल रहा है, इसे 86% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। किसी भी कानून या फैसले को पहले एंटी मुस्लिम बता देना और फिर विक्टिम कार्ड खेलकर मुस्लिम समुदाय को संघ और सरकार का डर दिखाकर देश भर में भड़काना, पीएफआई का यही मॉड्यूल तमाम सुरक्षा और जांच एजेंसियों के लिए चुनौतियों का सबब बनता जा रहा है। हाल ही में पीएफआई के टॉप कैडर ने ऐसी ऐसी जबान बोली जिससे युवाओं को भड़काने के लिए खास पैटर्न आजमाया। कहीं राम मंदिर को संघ का मंदिर बताया गया तो कहीं हिंदुत्व एजेंडे का आरोप मढ़कर अपने मंसूबे जाहिर किए। देश में खौफ की बोली बोलने वाले पीएफआई के लोग लगातार एक समुदाय विशेष का ब्रेन वॉश करने में जुटे हैं। सवाल है, क्या ये एक नए तरह का मॉड्यूल है। हमने इस वीडियो में आपको मीडिया के दोनों तरह के पत्रकारों के बारे में दिखाया। अभी आपको तय करना है कि आपको किसको देखना है। पंजाब टुडे रिपोर्ट। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.